आज हम क्रिएट करने वाले हैं 3D इंट्रो एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, और ये बहुत ही इजी तरीके से हम जनरेट करने वाले हैं। कैमरा को यूज करेंगे, लाइट को यूज करेंगे, यहाँ पे 3D लाइट, 3D कैमरा को भी हम यूज करने वाले हैं, इवन लेयर को भी 3D में कन्वर्ट करने वाले हैं। बट हम ना ही यहाँ पे कोई एक्सटर्नल प्लगइन यूज करने वाले हैं, ना ही हम इनबिल्ट सिनेमा 4D को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। बस एक बेसिक तरीके से और एक एक्सप्रेशन के थ्रू ये सारा हम एनिमेशन जनरेट करने वाले हैं। सो बिगिनर्स हो या इंटरमीडिएट हो, सबके लिए यूजफुल ट्यूटोरियल रहेगा, और इसको आप यूज करते हुए टाइटल एनिमेशन, लोगो इंट्रो एनिमेशन या फिर चैनल इंट्रो भी आप क्रिएट कर सकते हो गाइस। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बैकग्राउंड जनरेट कर रहा हूँ सॉलिड के थ्रू। तो यहाँ पे मैं इसको ओके कर देता हूँ, मैंने व्हाइट शेड चूज किया हुआ है। अब उसके बाद सबसे पहले तो मुझे इसको 3D में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मेरा टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे मेरा जो टाइटल का टेक्स्ट है, या आप इसको लोगो टेक्स्ट भी कह सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको यहाँ पे क्या चूज करना है। और इसका साइज में थोड़ा बड़ा करता हूँ, यहाँ पे एंकर पॉइंट उसका सेंटर में करता हूँ, और हमारे टेक्स्ट लेयर को कंपोजिशन के सेंटर में कुछ इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे सेट कर देते हैं। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इस लेयर को भी मैं यहाँ पे 3D में कन्वर्ट कर देता हूँ। बट उससे पहले हमें हमारे टाइटल के लिए एक बेसिक एनिमेशन जनरेट करना है, 2D एनिमेशन जनरेट करना है। तो उसके लिए मैं पहला काम क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस लेयर को सिलेक्टेड रखते हैं, मेरा रेक्टेंगल शेप टूल में यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ मास्क ड्रॉ कर रहा हूँ डिफरेंट अल्फाबेट के ऊपर, रैंडम अल्फाबेट के ऊपर, और इस मास्क को नीचे की तरफ आपको कंपोजिशन से आउट लेना है, जो मेरे एनिमेशन को सपोर्ट करने वाला है, आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में सबसे पहले तो इसको मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ, इस मास्क को, मेरा रेक्टेंगल शेप टूल सिलेक्टेड है, फिर से इस अल्फाबेट के आजू बाजू में मैं मास्क यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा मुझे चेंज करना है, मूव टूल सिलेक्ट करते हैं, इन दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं, और कुछ एक दो पिक्सल यहाँ पे आगे की तरफ लेके चले जाते हैं। अब थोड़ा जूम करने के बाद आई थिंक ओके दैट्स बेटर, तो ये यहाँ पे सही हो चुका है, तो ये भी मेरा रेडी हो गया है। अब इसको भी क्या कर देंगे, हम यहाँ पे नन अप्लाई कर देते हैं वापस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से मेरा रेक्टेंगल शेप टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं थोड़ा फिर से इसी को मैं यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा, और क्या करूंगा, एन के आसपास मैं मास्क ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसे भी आपको कंपोजिशन से आउट लेके जाना है, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे ऑलमोस्ट जनरेट हो चुका है। अब सारे के ऊपर, मास्क के ऊपर फिर से हम क्या कर देंगे, एड अप्लाई कर देंगे। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसी टेक्स्ट लेयर के अंदर एनिमेट में जाना है, और मैं अप्लाई कर रहा हूँ पोजिशन एनिमेटर इसके ऊपर। इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका पोजिशन यहाँ पे डाउन की तरफ, नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ कुछ इस हिसाब से, तो ये यहाँ पे चला गया है। अब यहाँ पे रेंज सिलेक्टर को ओपन करते हैं, और यहाँ पे स्टार्ट वाला जो एनिमेशन, उसको हम यहाँ पे की अप्लाई करेंगे। ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे चला जाता हूँ 4 सेकेंड के ऊपर, या फिर हम रखते हैं इन बिटवीन 3 और 4 सेकेंड के बीच में, और यहाँ पे वैल्यू अप्लाई कर देंगे 100। उसके बाद यहाँ पे एडवांस में जाना है मुझे, स्मूथनेस का जो अमाउंट है मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ 75, 100 नहीं चाहिए, 75 कर रहा हूँ। और उसके अलावा यहाँ पे नीचे आपको रैंडम ऑर्डर का ऑप्शन मिल रहा है, उसको मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे हो चुका है। अब उसके बाद क्या करना है, इसी टेक्स्ट लेयर को फिर से मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इसका पोजिशन है, स्टार्टिंग का जो इसका पोजिशन है, वो मुझे चेंज करना है एनिमेटर के अंदर। तो यहाँ पे हम वापस जाएंगे, इसको क्या करेंगे, कंपोजिशन के ऊपर की तरफ लेके जाएंगे गाइज हम लोग। तो यहाँ पे मैं इसको ऊपर की तरफ कुछ इस हिसाब से ड्रैग कर लेता हूँ, यहाँ पे आउट कर देंगे उसको। उसके बाद इसकी जो मास्क है वो ओपन करना है, और तीनों मास्क के ऊपर हमें इन्वर्टेड अप्लाई कर देना है। तो ये भी यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब दोनों को सिलेक्ट करके आप देख लो, एनिमेटेड की दोनों के ऊपर लगी हुई है। मैं यहाँ पे उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज लीनियर चीज रख रहा हूँ। आपको अगर लगता है आपके एनिमेशन के लिए, तो आप उसको चेंज कर सकते हो गाइस, इट डिपेंड्स अपॉन यू, बट मैं लीनियर किस के साथ जाऊंगा। दोनों लेयर सिलेक्टेड है, मैं कंट्रोल शिफ्ट एंड सी प्रेस करके उसको प्रीकॉम्प में कन्वर्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ मेन टेक्स्ट एनिमे, तो ये, या फिर आप मेन टाइटल एनिमे जो भी आपको देना है उसको ओके कर देते हैं गाइस हम यहाँ पे। उसके बाद इसको भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3D में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये भी मेरा क्या हो चुका है, यहाँ पे 3D में कन्वर्ट हो चुका है, बट अभी वो विजिबल नहीं है, ठीक है ना। तो पहला काम जो मेरा टेक्स्ट का, मैंने शेड जो दिया था यहाँ पे, कौन सा कलर था कि भाई यहाँ पे क्यों विजिबल नहीं, क्योंकि वो टेक्स्ट अंदर आने वाले, तो सेम चीज यहाँ पे रेड शेड ही है, तो मेरा टेक्स्ट यहाँ पे विजिबल हो चुका है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है कि भाई, जैसे हमने कहा सिनेमा 4D या एलिमेंट 3D या किसी को भी हमें यूज ना करते हुए भी हमारे टेक्स्ट को 3D टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट लेयर का पोजीशन प्रॉपर्टी ओपन करेंगे, यहाँ पे ऑल्ट करके स्टॉपवॉच पे ऊपर आपको की देना है, और यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन टाइप करना है
जो पोजीशन से रिलेटेड है कि हर एक लेयर को बाय वन पिक्सल वो क्या करेगा, जी डायरेक्शन में पोजीशन चेंज करते हुए जाएगा एक पिक्सल के थ्रू। तो उसके लिए जो एक्सप्रेशन में यहां पे आपको टाइप करना है स्क्वायर ब्रैकेट, यहां पे टाइप करना है पोजीशन, उसके बाद फिर से स्क्वायर ब्रैकेट जीरो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, कॉमा देना है, उसके बाद स्पेस करना है, फिर से आपको टाइप करना है पोजीशन, फिर से स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे वन वैल्यू अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर से यहाँ पे और स्पेस करके यहाँ पे क्या करना है इंडेक्स अप्लाई करना है और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करना है। ये एक्सप्रेशन मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा, तो आप उसको सीधा सीधा कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो गाइस, ठीक है, या फिर इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, एक्सप्रेशन से देख लेना, अदरवाइज टाइप करना बहुत आसान है, यहाँ पे इतना ड्यूरेशन टाइम दिया हुआ है तो आप यहाँ से देख के भी उसको टाइप कर सकते हो गाइस। तो ये ओके हो चुका है, जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे क्या हो गया, वो हाइड हो गया। रीजन क्या है, ये मेरे बैकग्राउंड से पीछे चला चुका है गाइस, ठीक है ना, वो क्या हो गया मेरे बैकग्राउंड से पीछे जा चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको कवर अप कर लेंगे, टेंशन नहीं है। अभी क्या करना है, इसी टेक्स्ट लेयर को मुझे मल्टीपल टाइम डुप्लीकेट करना है, बट उससे पहले यहां पे जैसे ही आपने इसको 3D में कन्वर्ट किया तो आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे ओपन होता है जो है आपका मटेरियल ऑप्शन, तो यहाँ पे जाना है और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है एक्सेप्ट लाइट, क्योंकि आगे जाके हम 3D लाइट भी अप्लाई करना है, बट वो मेरे टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं करना चाहिए, उसके टेक्स्चर के ऊपर, तो यहाँ पे अगर आप टेक्स्चर वाला टेक्स्ट यूज करें तो भी आपको यूजफुल रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, उसको ऑफ कर देना है आपको, सो एग्जैक्टली यस, इसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे ऑफ कर देना है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉपी करते जाना है, कंट्रोल डी, तो मैं मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, तो देखते हैं कितने लेयर्स जनरेट हुए हैं, ऑलमोस्ट 21 लेयर्स, ओके इट्स गुड फॉर मी गाइस। तो मेरा टेक्स्ट का 3D अब कैसे समझ में आएगा, तो यहाँ पे एक्टिव कैमरा की जगह पे आप क्या चूज कर लो, टॉप व्यू चूज कर लो, तो ये जो आपको ब्राउन्स दिख रहे हैं ना वो सारे मेरे टेक्स्ट लेयर हैं, और उसमें सबसे पीछे कौन सा है, जो सबसे ऊपर वाला लेयर है वो सबसे पीछे की तरफ है, ठीक है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है कि आप कैसे उसको यूज कर रहे हो, कैसे आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, मेरा ये लेयर सबसे आगे है तो उसको पीछे की तरफ धकेलना पड़ेगा, मूव टू सिलेक्ट करते हैं और क्या करेंगे इसको थोड़ा, सॉरी फिर से एक बार देख लेते हैं, हाँ भाई सही है, ओके गुड इनफ, तो वापस यहाँ पे चले जाओ, जेड एक्सिस आ गया, अब इसको क्या करूंगा मैं पीछे की तरफ कुछ इस हिसाब से धकेल रहा हूं, तो अब ये सबसे पीछे की तरफ जा चुका है मेरा बैकग्राउंड, तो अब मेरे टेक्स्ट क्या हो जाएंगे, सारे के सारे विजिबल हो जाएंगे, तो यहाँ पे वापस मैं एक्टिव कैमरा कर रहा हूँ, देखो मेरे टेक्स्ट यहाँ पे विजिबल हो चुके हैं। अब ये थिकनेस हमें समझना है तो कोई दिक्कत नहीं, थिकनेस को भी समझेंगे, टेंशन मत लीजिए। अब क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है, आप कैमरा जनरेट कर लो, यहाँ पे मैं 35mm के साथ जा रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे इसको ओके कर दिया, कैमरा को सबसे टॉप के ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग फर्क नहीं पड़ता कैमरा कहीं पे भी हो, बट ठीक है हमने सबसे ऊपर ले लिया है एक बार। अब यहां से क्या कर रहा हूं, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं, जो कैमरा का ऑर्बिट वाला टूल है उसको सिलेक्ट करते हैं, और यहां पे अगर मैं इसको रोटेट करता हुआ जाऊंगा तो आपको एक थिकनेस यहाँ पे समझ में आ रही है। अब इस थिकनेस की वैल्यू मतलब शेड थोड़ा चेंज करना है, तो कंट्रोल जेड करते सबसे पहले यहाँ पे, और हम करेंगे क्या कि भाई जो सबसे टॉप वाला लेयर है अभी के लिए आप ध्यान में रखो इसका शेड लाइए है, तो मैं इस नीचे वाले को अभी यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला हूँ, सॉरी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ जाना है इफेक्ट के अंदर, हम जाएंगे जनरेट के अंदर, और मैं यहाँ पे फील अप्लाई कर रहा हूँ, और फील का कलर मैंने चूज करना है थोड़ा जो यहाँ पे था, एक बार पिक करते हैं यहाँ से कलर इस वाले को, और उसके बाद मैं क्या करूँ इसको नीचे की तरफ कुछ ऐसे ड्रैग करते हुए लेके जा रहा हूँ। तो अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके, और यहाँ पे बाकी के नीचे जितने भी लेयर्स हैं सबको सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल वी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर मैं वापस आपको ये रोटेट करके दिखाऊं यहाँ से, तो आप लोग समझ लो यहाँ पे क्या हो रहा है, पीछे देखो आपको अच्छा खासा यहाँ पे थिकनेस जनरेट होते हुए दिख रहा है, क्योंकि शेड हमने चेंज कर दिया है, ओके। तो ये भी एक बेटर तरीके से हमारे यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब हमें मेन चीज जो अप्लाई करनी है वो है हमारी लाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वापस यहाँ पे लेयर पैनल में राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और हम अप्लाई करेंगे लाइट इसके ऊपर। मैं यहाँ पे स्पॉटलाइट यूज कर रहा हूँ, आप चाहे वो शेड या कलर अपनी स्पॉटलाइट के लिए यूज कर सकते हो, उसके अलावा इस वैल्यूज के अंदर भी अगर आपको लगता है तो आप चेंजेस ला सकते हो, बट हाँ ये यहाँ पे लाना जरूरी नहीं है, एक बार लाइट क्रिएट होने के बाद उसके लेयर में जाके भी आप ये सब चीजें चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अभी ओके अप्लाई कर देता हूँ, तो स्पॉटलाइट मेरा जनरेट हो चुका है। अब जैसे स्पॉटलाइट जनरेट हो गया, आपको यहाँ पे स्पॉटलाइट के अंदर जेड का एरो देखने को मिल रहा है, तो उसके ऊपर जाने के बाद आप क्या करोगे, इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करते हुए जाओ, तो जैसे आप लेके जाओगे यहाँ पे देखो कुछ इस हिसाब से आपका शेड जनरेट हो जाएगा, बहुत ही सुंदर सा ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे शेड जनरेट हो गया है गाइस, ठीक है। तो ये मेरे लिए यहाँ पे बेटर तरीके से जनरेट हो चुका है। दूसरा चीज मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा बीजी है
उसका स्केल मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, साइज थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे इसका इस हिसाब से, तो ये भी ठीक है क्योंकि ये आगे जाके मेरे कैमरा एनिमेशन में मुझे एज अ बैकग्राउंड हेल्प करने वाला है। उसके अलावा एक छोटा सा चीज, ये वाला जो मेरा लेयर यहाँ पे चलते हैं हम, इसके अंदर मटेरियल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे आपको कास्ट शेडो दिखता है, इसको आपको क्या कर देना, ऑन कर देना है। तो आप देखोगे यहाँ पे शेडो उसका जनरेट हो चुका है। अगर मैं इसको ऑफ करूंगा फिर से तो आप देखो चला गया, तो इसको ऑन कर देना था, आपका क्या होगा यहाँ पे शेडो बेटर तरीके से जनरेट हो जाएगा। मैं इसको अगर फुल इंस्टॉलेशन में कर दूं तो आपको और भी बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये शेडो भी हमारा यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब मेन चीज आती है हमारे टाइटल को एनिमेट करना गाइस। सो अब गाइस मुझे थोड़ा लाइट के अंदर चेंज करना है, तो यहाँ पे लाइट ऑप्शन ओपन करते हैं, उसका जो कॉन एंगल है उसको मैं थोड़ा वाइड कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि जो ये साइड में थोड़ा ज्यादा डार्कनेस दिख रहा है वो मेरा कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा इसको अप्लाई कर देता हूँ कुछ इस हिसाब से। ओके, तो नाउ इट इज लुकिंग रियली बेटर। अब इसको हम कर देते हैं यहाँ पे मिनिमाइज करता हूँ थोड़ा। अब हमारे कैमरा को एनिमेट करने का टाइम आ चुका है, तो थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो कैमरा का यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पोजीशन ओपन करना है, मैं सिलेक्ट करते हैं पोजीशन ओपन करते हैं और ऑलमोस्ट मैं 5 सेकंड के ऊपर क्या करने वाले, यहाँ पे की अप्लाई कर देते हैं, चले आते हैं 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर और यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, की अप्लाई कर देंगे। बट यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा जूम इन करना है, तो मैं इसको थोड़ा नजदीक लेके आ रहा हूँ कुछ इस हिसाब से। हमने इसको क्या कर दिया, थोड़ा नजदीक लेके आ जाना है, तो यहाँ पे ये आ चुका है। उसके बाद मुझे क्या करना है कि भाई यहाँ से आप कैमरा का जो ये ऑर्बिट रोटेशन वाला टूल रहता है ये वाला, ये आपको चूज कर लेना है। तो मैंने इसको चूज करना है यहाँ पे। अब मैं थोड़ा इसको रोटेशन मतलब रोटेट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेन चीज ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो टेक्स्ट इट इज ओके, मेरा टेक्स्ट वाला पोर्शन थोड़ा ओके, कोई दिक्कत नहीं है मुझे यहाँ पे, सही तरीके से ये जाना चाहिए। अब ये सही होगा तो अब अगर मैं इसका एनिमेशन धीरे धीरे आगे जाते हुए आपको दिखाऊं तो मेरे टेक्स्ट यहाँ पे क्या होते हुए जाएंगे, एंटर होते हुए जाएंगे। ओके, देयर शुड बी सम इश्यू। ओके ओके, लेट्स सी दैट, इट्स टेकिंग टाइम। यस, रेंडर होने के लिए थोड़ा टाइम ले रहा है। हम यहाँ पे चले आते, देखते हैं क्या होता है। ओके, इट्स गोइंग गुड, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो धीरे धीरे क्या हो रहा है, मेरे टेक्स्ट यहाँ पे एंटर होते हुए जाएंगे, बराबर है। और एट दी एंड क्या होगा, ये पीछे की तरफ अपनी जगह पे सेटल होते हैं, यहाँ पे सेट होगा। अब इस कैमरा एनिमेशन को भी मुझे यहाँ पे मैं ग्राफ को एडिट करने वाला हूँ। सारी की इसको सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और कुछ इस हिसाब से हम क्या करेंगे, ग्राफ को कंट्रोल जेड और मैं यहाँ पे इसको कुछ हिसाब से एडिट कर देता हूँ। सो गाइज, हमारा 3D इंट्रो एनिमेशन जनरेट हो चुका है, जिससे आप टाइटल इंट्रो, चैनल इंट्रो या लोगो इंट्रो के लिए यूज कर सकते हो। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, बेल आइकॉन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको आगे आने वाले ट्यूटोरियल के अपडेट्स मिलते रहें। प्लस कमेंट में जरूर मेंशन करना ट्यूटोरियल आपको कैसे लग रहे हैं, और दोस्तों के साथ शेयर कर बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मुझे भी कुछ नई चीजें सीख पाए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।